कि जो एनआरसी कराई गई असम में उसमें खर्च हुआ करीब करीब 1600 करोड़ रुपए। अगर पूरे देश में एनआरसी करानी पड़ेगी 70,000 करोड़ रुपए तो एनआरसी कराने में खर्च होगा। 1 करोड़ लोगों को जब आप जेल में रखेंगे तो उनको बिजली फ्री, उनको पानी फ्री, उनको शिक्षा फ्री, उनको चिकित्सा फ्री। हम करना क्या चाहते हैं? हमें किसान के, अरे भाई इस वक्त जरूरत है आपको किसान की चिंता करने की, नौजवान को रोजगार देने की चिंता करने की। आप तो कई राज्यों का बजट सिर्फ इस सड़क में खर्च कर देना चाहते हैं। आज देश की जीडीपी 3.5% पहुंच गई, अशिक्षा बढ़ रही है, बेरोजगारी 45 वर्षों में सबसे ज्यादा हो गई, देश के अंदर व्यापार चौपट हो रहा है, आर्थिक मंदी की स्थिति में हम लोग पहुंच चुके हैं, 10.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों का एनपीए है। और ऐसे समय में जबकि देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है, एनआरसी के आर्थिक पक्ष क्या है वो भी जानना जरूरी है। और वो ये बात है कि जो एनआरसी कराई गई असम में उसमें खर्च हुआ करीब करीब 1600 करोड़ रुपए और लगाए गए 50,000 कर्मचारी। 2 साल में एनआरसी पूरा हुआ, अभी भी उसमें तमाम त्रुटियां हैं। अगर पूरे देश में एनआरसी करानी पड़ेगी तो लगभग 70,000 करोड़ रुपए तो खाली एनआरसी कराने में एक मोटा मोटा एक का ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि ये पुराना खर्चा है, आगे कराओगे तो ज्यादा हो सकती है। 70,000 करोड़ रुपए तो एनआरसी कराने में खर्च होगा और 3 करोड़ के लगभग मान लीजिए घुसपैठिए आपको मिल गए इस देश में, जो भाजपा बार बार दावा करती है 3 करोड़ घुसपैठियां, 3 करोड़ घुसपैठियां, 2 करोड़ जो भी उनका फिगर है, मान लीजिए 3 करोड़ अधिकतम मान लीजिए उनका फिगर, मान लीजिए उन्हीं को सच मान लीजिए। अगर 3 करोड़ घुसपैठियां इस देश के अंदर मिल गए तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम बांग्लादेश पर इसका कोई प्रभाव नहीं डालेंगे, हमारे विदेश मंत्री जी ने कहा है कि यह हिन्दुस्तान का आंतरिक मामला है, तो इसका मतलब जो घुसपैठियां मिल गए उनको आप यहां से भगाएंगे नहीं, इसी देश में आप उनको रखेंगे, थोप देंगे, डिटेंशन सेंटर बना के रखेंगे। अब 3 करोड़ लोगों का डिटेंशन सेंटर बनाने का जो खर्चा है या जेल बनाने का जो खर्चा है वो एस्टिमेटेड कास्ट होगी लगभग 10 लाख करोड़ रुपए। और ये मैं 2008 के आधार पर बता रहा हूं, 2008 में 3000 लोगों की जेल बनाने में लखनऊ में 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लगा। अगर आप 3 करोड़ लोगों के लिए पूरे देश में जेल बनाएंगे या डिटेंशन सेंटर बनाएंगे तो उसमें करीब करीब 10 लाख करोड़ रुपए खर्च होगा। 10 लाख करोड़ रुपए, 200 एकड़ जमीन 3000 लोगों के लिए लगी, 100 करोड़ रुपए उसकी लागत लगी लखनऊ में जेल बनाने में 2008 में। अब अगर 3 करोड़ लोगों के लिए आप पूरे देश में जेल बनाएंगे या डिटेंशन सेंटर बनाएंगे तो 10 लाख करोड़ रुपए लगेगा और कितने हजारों एकड़ जमीन लगेगी उसकी भी आप कल्पना करिए। और 3 करोड़ लोगों को जब आप डिटेंशन सेंटर में रखेंगे, 3 करोड़ लोगों को जब आप जेल में रखेंगे तो उनको बिजली फ्री, उनको पानी फ्री, उनको शिक्षा फ्री, उनको चिकित्सा फ्री, उनको इलाज फ्री, उनको दवा फ्री, उनको खाना फ्री। और जब ये सब कुछ आप करेंगे तो 3.5 लाख करोड़ रुपए उनके एडमिनिस्ट्रेशन पे प्रतिवर्ष खर्च आएगा, उनको जेलों में रखने में या डिटेंशन सेंटर में रखने में 3.5 लाख करोड़ रुपए लगेगा। तो हम किस सनक की ओर बढ़ रहे हैं? इस नफरत की राजनीति से हमें हासिल क्या होगा? अगर देश की अर्थव्यवस्था का 3.5 लाख करोड़ रुपए, देश के बजट का 3.5 लाख करोड़ रुपए सिर्फ 3 करोड़ घुसपैठियों को पालने में, खिलाने में खर्च हो जाएगा, तो सोचिए आपके बच्चों का क्या होगा, आपके स्कूल कॉलेज अस्पताल कैसे बनेंगे, आपकी सड़कें कैसे बनेंगी, किसानों का कर्जा कैसे माफ होगा, आपकी तरक्की कैसे होगी? जरा इसके बारे में भी कभी किसी ने सोचा है? इसके बारे में भी हमको गंभीरता से सोचना चाहिए, देश किस ओर जा रहा है, हम अपनी नफरत की राजनीति में अपना कितना नुकसान करने के लिए तैयार है, अपनी कितनी बर्बादी की दास्तां लिखने को तैयार है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये किस पागलपन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ लोगों को हम इस देश में पाल के खिलाएंगे, 3 करोड़ लोगों को हम जेल बना के उनको रखेंगे, हर साल का हम 4 लाख करोड़ रुपए उनके ऊपर खर्च करेंगे, 10 लाख करोड़ रुपए हम उनके लिए जेल बनाने में खर्च करेंगे। हम करना क्या चाहते हैं? हमें किसान के, अरे भाई इस वक्त जरूरत है आपको किसान की चिंता करने की, नौजवान को रोजगार देने की चिंता करने की। आप तो कई राज्यों का बजट सिर्फ इस सड़क में खर्च कर देना चाहते हैं और इसमें जाएंगे सब, क्योंकि
गृहमंत्री अमित शाह ने साफ तौर पे कहा है आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड नहीं चलेगा, जिसके पास भी कागज नहीं होगा उसको देश से बाहर निकाला जाएगा। यानी जो गरीब आदमी है, दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, मजदूर है, अलग अलग राज्यों से आने वाले प्रवासी हैं, उनका न अपने राज्य में कोई प्रमाण है न यहां पर कोई प्रमाण है। 1971 के पहले प्रमाण कहां से लाएगा आदमी, कैसे वो अपनी नागरिकता साबित करेगा? तो इसलिए पूरे देश में एनआरसी अगर लागू हुआ तो अजीब कोहराम की स्थिति पैदा होगी। ये बात हमको लोगों को समझाने की जरूरत है। इंकलाब जिंदाबाद। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।